नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि योनो SBI ऐप्स का यूजर नेम और पासवर्ड कैसे निकाला जाता है। अगर आप भूल चुके हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे जो है योनो SBI ऐप्स का यूजर नेम और पासवर्ड निकाला जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर यहाँ पर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे योनो SBI। टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए एक लॉगिन योनो SBI है, तो आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। एक है योनो SBI, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। वहाँ पे आपको कहा जाएगा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी हमको फ़िलहाल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, तो आप यहीं पर क्लिक कर सकते हैं लॉगिन योनो SBI पे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो यूज़र नेम भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और पासवर्ड भी अगर आप भूल चुके हैं तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए फॉरगेट यूजर नेम पे यहाँ पे क्लिक कर फॉरगेट यूजर नेम पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं CIF नंबर, ये आपको जो है आपके पासबुक में मिल जाएगा CIF नंबर। आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चे को इस बॉक्स में आपको इंटर करना है, जो भी कैप्चा है तो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यूजर नेम निकल जाएगा, तो लॉग इन यूजर नेम हैज़ बिन सेंट योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, लॉग इन यूजर नेम इज इतना, देखिए यहाँ पे यूजर नेम है। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी यूजर नेम आपका चला जाएगा। तो आप यहाँ पे मैसेज में भी देख सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो चलिए यूजर नेम हम निकाल चुके हैं, अब चलिए पासवर्ड कैसे निकालते हैं वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद आप फिर से इसी पेज पे आएंगे। आने बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड का, इससे पहले आपको 3 डॉट पे ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डेस्कटॉप में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। हम सबसे पहले यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए, पासवर्ड निकालने के लिए यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये आपको पता नहीं है अभी। उसके बाद इसके बदले में आप जो है ATM कार्ड नंबर यहाँ पे दे देंगे, ATM कार्ड नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ATM पिन यहाँ पे आप अपना यहाँ पे दे देंगे। आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंटर योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो यहां पे आपको जो भी आपको रखना है इंटरनेट बैंकिंग का न्यू पासवर्ड, तो आप यहां पे इंटर कर देंगे। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए वही दोबारा यहां पे आप टाइप करेंगे देंगे। ऐसा पासवर्ड बनाना है यहां पे कुछ स्क्रीन में भी आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप 8 से 20 करेक्टर तक जो है आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आप अल्फ़ाबेट में भी दे सकते हैं अपना पासवर्ड। उसके बाद कुछ नंबर में भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर में भी आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं, तभी यहाँ पे वो पासवर्ड यहाँ पे काम करेगा। ये पासवर्ड जो है काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। इंटरियोर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड पे यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए री इंटरियोर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड यहाँ पे दोबारा आप जो ऊपर में दिए हैं वही आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको
कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिए। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो चलिए ये भी हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको OTP इंटर करना हो जो अभी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया है। अगर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता कुछ टेक्निकल वजह से कारण, तो यहाँ पे आप रिसेंट OTP पे भी क्लिक करके आप OTP मंगा सकते हैं। उसके बाद OTP यहाँ पे इंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यू हैव सक्सेसफुल रीसेट योर फॉरगेट पासवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, प्लीज लॉग इन यूजिंग न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे हम गो टू लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम इस पेज पे आ जाएंगे। आप यहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। जो तो यहाँ पे अभी आप जो यूज़र नेम निकाले हैं वही यूज़र नेम यहाँ पे आप इंटर कर देंगे और जो अभी आप पासवर्ड रिसेट किए हैं वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहीं से लॉगिन कर सकते हैं और अपना अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अकाउंट का बैलेंस इतना रुपया है और यहाँ पर बहुत सारा आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपको एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन करना पड़ता है योनो SBI के एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर में आना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आने के बाद योनो SBI ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो आप यहां पे अलाउ कर दीजिए जो भी आपको परमिशन मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर यूज यूजर नेम आप यहां पे दे देंगे जो अभी आप निकाले हैं। उसके बाद यहां पे आप अपना पासवर्ड यहां पे इंटर कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो आप यहां पे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आप अपना जो है कोई MPIN यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए 6 अंक का, ताकि आपको बार बार जो है यूजर नेम और पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं अपना MPIN। तो सेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप जो है योनो SBI के एप्लीकेशन में आ चुके हैं, यानी कि आपका अकाउंट का जो है होम पेज यहाँ पे खुल जाएगा। तो अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पे बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको जो भी ज़रूरत है जिस भी वीडियो का आप जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों, आप इसी तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, और ये नया तरीका भी है योनो SBI का। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं और यूजर नेम भी भूल चुके हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।